subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड बंद हुआ है 50,100 पे, लगभग 121 रुपीस लॉस के साथ। तो शुरू करते हैं मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट पे आप देखोगे कि गोल्ड ट्रेड कर रहा है लगभग 1% डाउन, 410 रुपए के लॉस के साथ। और यहाँ जो है तो लॉन्ग टर्म करेक्शन कंटिन्यू हो रहा है। हमने ऊपर के सभी टारगेट अचीव कर लिए इस साल के लिए। अभी जो है तो निचले सपोर्ट जोन को टेस्ट करने के लिए प्राइस जा रहा है। ऑन डाउन साइड मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो 47,550 का जो लेवल है वो 20 मंथ का एवरेज है, और उसके नीचे 43,300 का जो 50 मंथ का एवरेज है। तो उसके तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये टारगेट जोन रहेंगे लॉन्गर टर्म में गोल्ड प्राइसेस के लिए। तो आपको नीचे के लेवल जो है तो देखने को मिल सकते हैं। 43,000 का जो लेवल है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा लेवल है, विद अ मीडियम जो व्यू है आपका वो 3 से 5 साल का होना चाहिए। और यहाँ जो है तो गोल्ड मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको 80-85,000 के लेवल तक जाता हुआ दिखेगा। मगर आपको राइट टाइम पे इन्वेस्ट करना है, और जो राइट टाइम और राइट लेवल है वो है 43,000 के अराउंड। जब गोल्ड आएगा तब उसमें आपको एक्युमुलेशन स्टार्ट करना है। करंटली गोल्ड जो है तो वीक दिख रहा है, और मुझे लगता है कि ऑन लॉन्गर टर्म होराइजन हम जो है तो नीचे के लेवल गोल्ड पे आते हुए देखेंगे। यहाँ अगर आपके पास अभी भी प्रॉफिट है तो मेरी सलाह है कि प्रॉफिट बुक कीजिए, या फिर जो है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो हमने लगभग सभी टारगेट अचीव करने के बाद एक कंसोलिडेशन किया, और अभी जो है फाइनली हम ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ गोल्ड जो है तो अराउंड 50 वीक का जो एवरेज है उसके अराउंड ट्रेड कर रहा है। अगर उसके नीचे स्लिप होता है तो गोल्ड के जो टारगेट रहेंगे मेरे वो रहेंगे 47,900, और उसके बाद में 44,000 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मल्टीपल टारगेट रहेंगे, मगर ये आपको जो बता रहा हूँ मैं ये मेजर टारगेट जोन से एज पर एवरेजेस। जो 47,900 का लेवल है वो 100 वीक का एवरेज है, और उसके नीचे जो है तो 44,000 जो है तो 200 वीक का एवरेज आप देख सकते हो ऑन चार्ट। अब यहाँ जो है तो सपोर्ट जोन है 49,700। अगर उसके नीचे गोल्ड जाता है तो आपको मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू सेल ऑन राइज का रखना है, और निचले टारगेट आपको सेट करने हैं। और मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड जो है तो ये लेवल तोड़ देगा। हमने बीच में एक स्पाइक आते हुए देखा था गोल्ड में, और मैंने कहा था कि ये जो स्पाइक है ये ऑन न्यूज़ फ्लो है, जो करेक्टिव ट्रेंड है वो चेंज नहीं हुआ है। तो जिन्होंने 52,000 के अराउंड जिन्होंने सेल किया होगा उन्हें अच्छे खासे लगभग 2,000 पॉइंट ऑलरेडी गोल्ड में मिल चुके हैं। यहाँ ऊपर की तरफ जो है तो मेरा सेल ऑन राइज भी रहेगा। अगर गोल्ड 50,600 के अराउंड आता है तो आपको बिल्कुल शॉर्ट जाना है। स्टॉप लॉस आपका जो है तो 900 के ऊपर रहेगा, और जो टारगेट रहेंगे वो 49,700, और उसके बाद में एक डीप डाउन टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 47,900 का, जो आपको मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ सेल ऑन राइज व्यू रहेगा मीडियम टर्म में। अभी देखते हैं शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म के लिए हम देखेंगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है तो उसने 200 डेज का जो एवरेज है उसको टेस्ट कर लिया है, जैसे मुझे एक्सपेक्टेड था वैसा ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ जो है तो हमारे जो डाउन साइड के टारगेट है गोल्ड में वो अचीव कर चुका है। यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, तो अगर बाउंस बैक आता है क्योंकि गोल्ड यहाँ से जो है तो सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा, तो बाउंस बैक पे आपको गोल्ड को बेचना है। आपको गोल्ड को बेचना है 50,600 से लेकर 50,800 के अराउंड। स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो रहेगा 51,000 के ऊपर, और जो टारगेट बनते हैं वो रहेंगे 49,200 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ मेरा सेल ऑन राइज भी रहेगा। गोल्ड यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, मगर वो बाउंस बैक जो है तो उसमें खरीदारी नहीं करनी है, आपको बिक वाली की कोशिश करनी है, और वो भी लेवल पर आने पर। तो आपको 50,650 से लेकर 50,850 के अराउंड जो है तो गोल्ड में आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आपके जो टारगेट बनेंगे फिर से 49,700, और उसके बाद में 49,200 के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और जिन्होंने ऊपर के लेवल पे गोल्ड को बेचा होगा, जैसे ये बाउंस बैक आया था उसमें अगर आपको बेचा होगा तो आपको लगभग 2,000 से 2,500 पॉइंट ऑलरेडी गोल्ड दे चुका है। तो यहाँ क्लियर कट गोल्ड जो है तो लॉन्गर टर्म करेक्शन में जा रहा है। यहाँ मेरी बाइंग की बिल्कुल सलाह नहीं रहेगी, आपको सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है।
रेजिस्टेंस के अराउंड आता है तब आपको सेल करना है, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ निचले टारगेट आपको इजीली मिल जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडर भी जो गोल्ड के ऑप्शन है, आई मोस्टली नॉट प्रेफर कमोडिटी ऑप्शन, तो ऑप्शन के साथ भी खेल सकते हो। यहाँ जो है तो बाउंस बैक पे आप जो है तो ऐड द मनी पुट ऑप्शन पे फोकस कर सकते हो। आपको जो लेवल फोकस करना है वो 50,650 से लेकर 50,850 का, उस लेवल पे गोल्ड आता है तो आपको एक अच्छी खासी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जैसे ही गोल्ड जो है तो 49,900 के नीचे जाएगा, आपको जो है तो एक शार्प प्राइस एक्शन भी देखने को मिलेगी, जिसमें जो है तो कंटिन्यूस सेल ऑफ आपको गोल्ड प्राइसेस में आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ क्लियर कट वॉच करना है आपको लेवल पे, और लेवल ब्रेक होते हैं या लेवल की तरफ आता है तो आपको शॉर्ट ओपन करने हैं। यहाँ मेरा बेरिश व्यू रहेगा गोल्ड पे। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ कमोडिटी कॉल में ट्रेड करना चाहते हो तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको श्योर शॉट कमोडिटी कॉल मिलेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।